नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। बड़े लक्ष्य के साथ फिर से यूपी के सहारे दिल्ली की गद्दी पर फिर से काबिज होने में जुटी बीजेपी बदले हुए समीकरण के बाद चेहरे बदलने की भी तैयारी कर रही। दरअसल 5 साल में जिन सांसदों ने जनता की उम्मीदें पूरी नहीं की हैं, जमीन पर जाकर काम नहीं किया, उनके टिकट भी काटे जाने की पूरी संभावना है। नॉन परफॉर्मर सांसदों का टिकट काटकर जिताऊ नेताओं को देने की तैयारी। खबरें ऐसी हैं कि 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी अपने करीब 25 सांसदों के टिकट काटने जा रही है। पार्टी के कुछ सर्वे में ये बात सामने आई थी कि मोदी लहर में जीतकर सांसद बने 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं से जनता खुश नहीं है। इनमें अधिकांश सांसद वही हैं जो 2014 के लोकसभा चुनाव में दूसरे दलों से बीजेपी में आए और मोदी लहर में चुनाव जीत गए। इसके साथ ही आरक्षित सीटों के ज्यादातर सांसदों से भी उनकी लोकसभा सीट के लोग नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी आलाकमान इन नेताओं की जगह योगी सरकार के मंत्रियों और जमीन पर काम करने वाले नेताओं को टिकट देकर लोकसभा चुनाव में उतार सकती। यानी बीजेपी के वो सांसद जो बिना काम किए फिर से टिकट की कतार में थे, उनकी अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और बढ़ चुकी है टिकट की टेंशन। तो यूपी की सियासी तस्वीर में रोज नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं और इस बीच टिकट को लेकर दिल्ली में टेंशन भी बढ़ती जा रही है। किन सांसदों के टिकट कटेंगे, किन पैमानों पर उनका चयन किया जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अनिता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, जगदेव सिंह यादव जी हैं, प्रवक्ता सपा है, ब्रजेश शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रजेश मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। शुरुआत करेंगे अनिता अग्रवाल जी आपसे करेंगे जी। जिस तरह से बड़े नेताओं की बात सुने तो यही कहते हैं कि अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वही प्रत्याशी यहां पर तय करेंगे, लेकिन जिस तरह से दबाव बढ़ा है, कांग्रेस ने सबसे पहली गोटी यहां पर आगे बढ़ाई, पुराने चेहरों पर दाव खेला, और अब से कुछ देर पहले की तस्वीर देखें जब प्रियंका गांधी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से मिलकर आई हैं, नगीना सीट से उनके लड़ने के कयास, तो क्या माना जाए दबाव ज्यादा है, इसलिए अब परफॉर्मेंस को पैमाना बनाया जा रहा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है पार्टी तय करती है और पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहाँ से तय होता है, और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ता है, पार्टी चुनाव लड़ती है। परफॉर्मेंस पैमाना है नहीं, परफॉर्मेंस पैमाना है अलग बात है, लेकिन कहीं भी चुनाव होता है तो आप समझिए वो राजनीतिक पार्टी लड़ती है चुनाव। व्यक्ति अगर इतना प्रभावशाली, वो निर्दलीय भी लड़ लेगी, व्यक्ति प्रभावशाली नहीं होता, पार्टी प्रभावशाली होती है, और ये एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था के अनुसार जिसको टिकट मिलती है, पहले मांगने का राइट सबका है, हर कोई टिकटार्थी होता है मांगता है, लेकिन मिलने के बाद सब मिलकर उसको फिर लड़ाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है कि जो आपके जो सिटिंग एमपी हैं उनके टिकट कटने जा रहे हैं, जिनसे जनता नाराज है, जिन्होंने जमीन पर काम नहीं किया 5 साल, अब पार्टी उन पर जो है दांव नहीं खेलना चाहती। देखिए, ऐसा ही तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी, इसमें हम नहीं बता सकते कि पहले वालों को मिलेगी या नए वालों को मिलेगी, हम नहीं बता सकते हैं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगी, हमारा कार्यकर्ता, हमारी जनता सब उसी को लाएगी, क्योंकि वो कमल का निशान देखती है और मोदी जी की सरकार देखती है और भारतीय जनता पार्टी को देखती है। कमल का निशान देखती है और मोदी सरकार देखती है। अंशु अवस्थी जी, जिस तरह से कांग्रेस ने जो है बोल्ड डिसीजन अभी तक लिए हैं, पहले 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला लिया, और उसके बाद अभी तक जो नाम घोषित किए हैं वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को एक पहचान दी है, चाहे सलमान खुर्शीद की बात कर लें, आरपीएन सिंह की बात कर लें, जितिन प्रसाद की बात कर लें, राज बब्बर की बात करें, ये दबाव बढ़ा है जिसके बाद बीजेपी के टिकटों के चयन को लेकर अटेंशन बढ़ती जा रही। नहीं देखिए, कोई दबाव नहीं, असली लड़ाई मुद्दों को लेकर है और विषय को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो असली मुद्दे हैं, जो हकीकत है। देखिए, हमारी बड़ी बहन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, पार्टी तय करेगी। आज साक्षी महाराज जी ने बोर्ड तय करेगी, भाई सब ये बोला मैंने। अच्छा ठीक, साक्षी महाराज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सफाई जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपको टिकट मिलेगा, उन्होंने कहा मेरा टिकट तो कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता। तो अब आप बताओ, जब साक्षी महाराज जी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन से पहले करें तो क्या टिकट की स्थिति आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संत कबीर नगर में घटना हुई, पूरा देश जिससे शर्मसार हुआ, भारतीय लोकतंत्र के लिए काला धब्बा, लेटर लिख रहे थे, काला धब्बा समीकरण समझा रहे थे और चेतावनी भी दे रहे थे। आप ये समझ
समझ सकते हैं कि आज तक उन पर कार्रवाई न करना उन सांसद महोदय पर, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में हार का डर बैठ चुका है कि 2003 में यह सफाया होने जा रहा है इनका। अगर ऐसा ना होता तो कुछ तो एक्शन लेते। बिल्कुल, एक उन्नाव का विधायक जो एक हमारी बहन के साथ बलात्कार करता है, वो जेल में है, पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये कौन सी नैतिकता और शुचिता की बात हो रही है? हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि वो बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो से हार रहे हैं। ये इन्होंने जो वादे किए थे, ये उसी को खोल के देख ले तो वो कहीं पर दिखते नहीं। रोजगार की बात है, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। किसानों की समस्या जस की तस है। कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पर जाएगी। आज लोग कांग्रेस की सरकार को याद कर रहे हैं। ठीक, कांग्रेस की सरकार में 72,000 करोड़ रुपए हमने किसानों को माफ किया। आज उद्योगपतियों का तो मोदी जी 3.5 लाख करोड़ माफ करते हैं। जब श्री राहुल गांधी जी किसानों की बात करते हैं तो उनके पास समय नहीं है। ठीक, कहते हैं फिर मिलते रहिएगा। जनता सबक सिखाने जा रही, चिंता मत। बीजेपी में कयास का दौर है कि उनके सांसदों सिटिंग सांसद के यहाँ पर टिकट कर सकते हैं। क्या माना जाए, जिस तरह से परफॉर्मेंस की लड़ाई है, जिस तरह से पॉलिटिकल ट्रायंगल है, उसके बाद अब हर पार्टी पर दबाव है और तमाम पैमाने जो हैं उनको परख कर ही प्रत्याशी उतारे जाएंगे। देखिए, चुनाव में प्रत्याशियों का चयन तो तमाम समीकरणों में होता है। क्षेत्रीय समीकरण है, जाति समीकरण है, जो आजकल हो रहा है। नहीं, मोदी लहर की बात जो 2014 में की जा रही थी, वो अब यहाँ पर थोड़ा टेंशन बढ़ा रही है। मोदी लहर, मोदी पे जनता ने बड़ा भरोसा किया, बड़े वादे किए। हर सोचता था 15 लाख हमारे खाते में आ जाएंगे। ये तो बोर्ड को लालच दे करके उन्होंने बोर्ड को खरीदने का काम किया, धोखा दिया जनता को। और हर चुनाव में जो भी जनसंघ लब तक इनका मंदिर का मुद्दा रहता है, कॉमन कोडा ब्लॉक मुद्दा रहा, धारा 370 का मुद्दा रहा। आज 370 छोड़ दीजिए, पीडीपी साहब मिलकर सरकार में भी, और सबसे ज्यादा अगर शहीद हुए हैं तो इस कार्यकाल में हुए हैं। कश्मीर सबसे ज्यादा आसान थे तो आज आसान थे। और ये अभी कह रहे सांसद ने गोद लिए गांव, कौन से गांव गोद लिए? विकास के नाम पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सारा देश जानता था, हम लोग भी जानते थे, सारे लोग चर्चा करते थे। इसीलिए जब 2019 का चुनाव आएगा तो बीजेपी या तो मंदिर की बात करेगी या पाकिस्तान की बात करेगी, आखिर में ही कह दिया तो इनकी तो पोल खुल गई। और इन्होंने इसका राजनीति, ये देश के रक्षा का मामला था, ये सेना के शौर का मामला था, सारे देश साथ कर हुआ पक्ष विपक्ष। लेकिन आपने जाकर के बिहार में, राजस्थान में बखान करने लगे, बदले हुए समीकरण, इसलिए दबाव बढ़ा और इसलिए जिताओ प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। और सिटिंग जिताओ नहीं, इनकी तो खटिया खड़ी हो गई है। सारे चुनाव हारे हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हारे, आपने पांचों सीटें देख ली, मध्य प्रदेश देख लिया, आप राजस्थान देख लिया, एक भी चुनाव बता दिए मोदी के नेतृत्व जीता। मोदी जी को लोग समझने लगे अलोकप्रिय हो गए हैं और मोदी एक फेंकू प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। कहते बहुत, करते कुछ नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, सरकार बढ़ी, उसी के सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, किसान उसमें कर रहा है। कहा बहुत है, करने की बात भी भाई बहुत सब भाग गए, लोग पैसा लेके विदेश चले गए, गुजराती लोग हैं, लुटवा दिया देश को मोदी ने। ठीक, ब्रजेश मिश्रा जी, जिस तरह से 5 साल का कामकाज देखा जाए बीजेपी को, उसके बाद क्या पार्टी ने यहाँ पर कोई सर्वे कराया है जिसके आधार पर अब सिटिंग एमपीज के यहाँ पर टिकट काटने की तैयारी की जा रही है, जो जनता के बीच नहीं गए, जिन्होंने जमीन पर कामकाज नहीं किया, चुनौती बढ़ चुकी है, समीकरण बदल चुके हैं, इसलिए इस तरह का प्लान? मेरी समझ में एक मेथड होता है माइक्रो कास्टिंग, जिसका मतलब होता है जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में देखिए तो 7 चरणों में लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव पड़ रहा है। तो पार्टी को एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि वो ये सोचते हो कि भाई जिस एरिया से जिस कैंडिडेट का सपोर्ट हो, या फिर ये देखेंगे कि जिनका इल परफॉर्मेंस रहा उनको बाहर करना। नहीं, एक मैन टू मैन मार्किंग टाइप के भी यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है। आप देखिए पूर्वांचल के समीकरण देखिए तो हर सीट पर गठबंधन की अपनी मेहनत है, कांग्रेस की अपनी मेहनत है, तो बीजेपी भी नए सिरे से रणनीति बना रही है। देखिए इसीलिए मैंने कहा कि चूंकि अब देखिए ट्रायंगुलर वॉर शुरू हुई है, एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ कांग्रेस अकेले खड़ी है, एक तरफ बीजेपी है, तो अब उनको ये देखना है कि नई परिस्थितियों में किस तरह के प्रत्याशी खड़े किए जाएं, कहां से खड़े किए जाएं। और जब अन्य दलों की एक रणनीति है तो इनकी भी एक रणनीति होनी चाहिए थी, और मैं समझता हूं कि ये ग्राउंड लेवल से अपने कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट लेने के बाद, इनके अन्य आनुषंगिक संगठनों से रिपोर्ट लेने के बाद ही ये किसी को टिकट देंगे, जो कि लोकतंत्र के लिए कोई बुरी बात नहीं है। मैं समझता हूं सभी दलों को यानी चाहते हो चमत्कार करने वाले प्रत्याशी नहीं, परफॉर्मिंग को जिताओ जो प्रत्याशी होंगे उन पे दांव खेला जाए, और ऐसा सभी दलों को करना चाहिए, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है और मैं समझता हूं कि ये सभी को करना चाहिए। ठीक, ब्रजेश शुक्ला जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से यूपी में बदले हुए समीकरण है, बीजेपी में जिस तरह से टिकट को लेकर अब टेंशन बढ़ता जा रहा है, किस तरह से देखिए बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की, 73 जीती थी, बड़ा लक्ष्य उनके सामने। अब सवाल यह है कि कई इनके सांसद ऐसे हैं जो
जिन्होंने दौरा नहीं किया, जो लोग गए नहीं, जिनका संपर्क नहीं रहा, या जिनसे लोग खुश नहीं, उनके वर्कर ही खुश नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी रणनीति ये होती है कि ऐसे लोगों की छटनी कर दें जिन लोगों ने काम ही नहीं किया, जिनसे लोग नाराज हैं। अब एक कई सर्वे हो चुके हैं इनके, फिर सर्वे चल रहा है और हमारे ख्याल से उसके रिजल्ट भी पहुंचे होंगे दिल्ली। एक फेरबदल ये करना चाहते हैं, कुछ के टिकट कटेंगे, कुछ को यहाँ, जैसे वरुण गांधी के बारे में बताऊं आपको, वो सुल्तानपुर से लड़े थे, उनके लेकर गहरी नाराजगी लोगों में। अब वो आप बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आप जब किसी से ठीक ढंग से बोलेंगे नहीं, तमाम सवाल उठाएंगे जनता से, तो लोग फिर नाराज होते हैं उससे। अब उनको फिर पीलीभीत ले जाने की तैयारी चल रही है, पहले पीलीभीत से सांसद थे। इसी तरह कई सीटें आप देखेंगे कि किसी के टिकट काटे जाएंगे, किसी के टिकट, हर सीट के समीकरण को ध्यान में रखकर अब स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, सीट बदली जाएंगी किसी, है ना। और इस बात का ध्यान रखा गया। अब दूसरा बात, तीसरा सबसे प्रमुख ही लेकर है जिताऊ, जो राजनीति का एक बड़ा खतरनाक शब्द आ गया है, जिताऊ, जो जीते उसी को टिकट दो। एक हिसाब से देखने में ठीक लगता है, लेकिन जिताऊ में सारी कमियों को ढक दिया जाता है जिताऊ के नाम पर, साहब जीतने वाले थे इसलिए दे दिया। तो ये सारी रणनीति है और उसी हिसाब से सारे दल कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अंशु अवस्थी जी, आपको क्या लगता है, सबसे पहले आपने लिस्ट जारी की प्रत्याशी की, उसके बाद गठबंधन की लिस्ट सामने आई, अब बीजेपी स्लो एंड स्टडी का फॉर्मूला अपना रही है, हर सीट पर वो मार्किंग अपनी कर लेनी चाहती है और पुख्ता तौर पर, क्योंकि बड़ा लक्ष्य सामने है, इसलिए बड़ी तैयारी से आने की। देखिए, जो टिकट बदलने और काटने की बात चल रही, आप याद करिए 2014 का चुनाव, जरा पीछे जाकर मोदी जी कहते थे एक एक वोट आपका सीधे मुझे मिल रहा है, मेरी जवाबदेही है, आप सांसद कोई का कहीं से भी आया, पैरासूट प्रत्याशी को मत देखिए, आपका एक एक वोट सीधे मुझे, तो जनता जवाब भी तो उन्हीं से लेगी। अब सांसद की बात क्यों हो रही टिकट काटने की, आप बताओ, अगर आपने जिम्मेदारी से किया होता, गंगा को लेकर एक परिषद बनी है, समिति है, आज तक एक भी बैठक श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गंगा जी की बड़ी बातें हो रही, मिनिस्ट्री खोल दी गई, बड़ी जिम्मेदारी, एक भी बैठक आज तक नहीं हुई, गोदलिए गांव के गाय को लेकर बड़ी बड़ी बात हो रही, हमने बात नहीं, हम काम करते हैं, स्थान में हमने गोपालन मंत्रालय बनाया है। दूसरा, एमएसपी को लेकर बड़ी बात हो रही थी, अरे साहब आप कर्जा किसानों भी माफ कर दो, 3.5 लाख करोड़ उद्योगपति को माफ किया, ठीक है, पहली बार शिक्षा मित्र बहनों ने, हजारों शिक्षा मित्र परिवारों के घर उजड़ गए, शिक्षा मित्र बहनों ने सर मुड़वाए सर, और योगी जी के कान में जू नहीं रेंगता, वादा था 90 दिन में हम उनको नियुक्ति देंगे स्थाई, 2 साल हो गए, एक भी परीक्षा सकुशल नहीं हो पाई, जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए, सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध कराने हाईकोर्ट के डबल बेंच में चले, ये भी रिपोर्ट है कि कई जिलों में, क्या ये भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं है? बिल्कुल, लेकिन कई जिलों में ये भी रिपोर्ट है कि जो वहां के सांसद हैं उनसे जनता नाराज है, उन्होंने ग्राउंड पे काम नहीं किया, जिसकी वजह से पार्टी को उनके टिकट काटने का चैलेंज। देखिए, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए हो रहा है, जैसे ब्रजेश जी ने, शुक्ला जी ने कहा, मैं सहमत हूं, असली बात यह है कि जब मोदी जी ने कहा था एक एक वोट मुझे मिल रहा है, 22 घंटे काम कर रहे हैं, तो ये काम कहां गया, साड़ी घड़ी अटैची बांटी जा रही है बनारस में, बनारस में प्रधानमंत्री की विकास निधि खर्चा नहीं हो पाई है, ये आरटीआई में निकल कर आया है, तो असली मुद्दा ये है, बीजेपी ने कुछ किया नहीं है, इनका सुपड़ा साफ होगा, ये टिकट काटें या बदलें, मोदी जी ने जो वादे किए थे उन पर बात करनी होगी, मुद्दों पर बात होगी, वादे अधूरे हैं, सांसदों ने जमीन पे काम नहीं किया, इसलिए यहाँ पर मुश्किलें बड़ी चलेंगी। सबसे बड़ी बात है कि हमने 5 साल में काम किया है, अब आपको हम अपने काम के बता दें, जनधन योजना से लेके सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, नहीं पार्टी ने काम किया है, लेकिन सांसदों की अगर बात की जाए तो क्षेत्र में जाके वो अपनी पहचान नहीं बना पाए। जो शौचालय बने हैं वो सांसदों के थ्रू ही बने, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बन गए यहाँ के विधायक और सांसद का उसमें साथ में से, सड़कें बनी है तो उनका सहयोग रहा, आवास बने हैं तो उनका सहयोग रहा, ये कहना बिल्कुल गलत है कि सांसदों ने कुछ नहीं किया, सांसद बैठे, लेकिन एक सेकंड और पहले सुन लीजिए, और आज जो कांग्रेस अपनी बात करती है, कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में ये झांक के देखे कि उन्होंने 10 साल में सिवाय घोटालों की सरकार के अलावा क्या किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार सबको मालूम है कि कैसी सरकार चली थी, कोई इकबाल नहीं था, और ये सारे उस समय
मनमोहन सरकार में क्या हुआ ये सवाल नहीं, सांसदों से तो जनता पूछेगी ना इस बार कि आपने पांच साल में क्या किया। आज इनका जो आज ये अपनी रायबरेली और अमेठी इस बार बचा ले तो बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन आज जनता को भरोसा मोदी जी पे ही है, क्योंकि पहले गांव में आप देखिए इतने साल हो गए हमारे, लेकिन गांव गांव बिजली नहीं थी, आज सब जगह बात क्यों करते हैं, आपके सामने तो सपा बसपा गठबंधन भी खड़ा है ना, सपा बसपा गठबंधन भी खड़ा है, कांग्रेस पे आरोप लगाए, मैं 10 सेकंड जवाब दे रहा हूं, इनकी बात सुनिए, आपने बोला था हमें बोलने दो, अनीता जी की बात सुनिए, चलिए जी सबसे बड़ी बात ये है कि गठबंधन की बात है, ये गठबंधन बल्कि हमको और मजबूत, अच्छा एक बात अनीता जी आपसे समझना चाहिए, अनीता जी आपसे एक बात समझना चाहिए, जनता के साथ आपसे समझना चाहिए, आपस में गठबंधन है और इनका गठबंधन का एजेंडा केवल एक है कि मोदी जी रोको, हमारा एजेंडा ये है कि विकास करो, इनका गठबंधन आतंकवाद को बढ़ावा, आपका एजेंडा विकास करो है, लेकिन जिन सांसदों ने आपकी मंशा पूरी नहीं होने दी, ग्राउंड पे काम नहीं किया, जो दूसरे पार्टी से आप लोगों ने कामकाज की बात हो रही है, पिछले 10 साल की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, मोदी जी ने हर मंच से बोला भ्रष्टाचार हटाएंगे, जेल भेजेंगे, हमने अपने ही सरकार में अपने मंत्री को जेल भेजा, अब आपने जो बोलना था बोल दिया, अब सुन लीजिए, अब आप सुनना नहीं चाह रहे, इन्होंने कहा सारे मंचों से कहा भ्रष्टाचार हटाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, आप मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने कहा एक साल के अंदर एफटीसी कोर्ट बना के जितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उनको जेल भेजेंगे, एडीआर की रिपोर्ट कहती कि सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजनेता भारतीय जनता पार्टी, एडीआर कहता, दूसरा 5 साल से आपकी सरकार है, मंचों और डिबेटों में आप कहते हो, एक आप चीटी बताओ जिसको आपने जेल भेजा, क्यों नहीं भेजा, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, सुन लीजिए, आपने बोला है, सुन लीजिए ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं, आपने क्या कार्रवाई की उसका हिसाब किताब दीजिए, कि सिर्फ मंचों और डिबेटों से भाषण, पहले तो अभी सांसदों को जवाब देना है, सांसदों को जवाब देना बात कर रहे हैं, कौन सा काम नहीं हुआ, किसानों कर्ज माफी, आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी सेफ्टी बिल, भूमि अधिग्रहण कानून, इतने बड़े बड़े जो कानून बने, हम तो कह रहे हैं 4.5 साल का एक काम बता दें, एक काम बता दें जनता के लिए, क्या अडानी अंबानी के लिए नहीं, जनता के लिए, ठीक है जनता की बात है। जगदेव जी देखिए, सपा बसपा का गठबंधन हुआ, इसे बड़ी घबराहट है, परेशान है, जब हम अकेले चुनाव लड़े तब तो मुख्यमंत्री को हराया, डिप्टी सीएम को हराया, सारे हमने चुनाव जीते, सारे देश चुनाव, अब ये घबराहट दहशत में, ये काम तो कुछ किया नहीं, इसीलिए अभी सहारा ले रहे हैं कि सेना का कहीं हिस्सा, जबकि सारा देश उसके साथ है, मैं समझता हूँ बीजेपी का ये उत्तर प्रदेश है, 80 सीटें हैं, देश के देश यहीं से यहीं दिल्ली का रास्ता जाता है, ये बौखलाड़, और स्मार्ट सिटी क्या हुआ, जो मेट्रो हमने चलाई उद्घाटन कर रहे हैं, जो 6 लेन हमने बनाई उसमें ये उतार रहे हैं, अभी कानपुर में इन्होंने जाकर के उद्घाटन किया, शिलान्यास किया, जिसका शर्मा अखिलेश जी ने पहले कर दिया था, और अभी तक टेंडर नहीं हुआ, किसको टेंडर दिया आपने, कैसे बने, वो बनना ही नहीं है, ये जनता को धोखा दे रहे हैं, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, टेंडरिंग की नहीं, कैसे बन जाए इसमें, ये लगातार झूठा ही बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, माहौल किसी के लिए भी बन रहा है, इसलिए सिर्फ सामुदायिक भावना का और जाति भावना का और उसका सहारा लेना चाहते हैं, जनता इनको जानती है, और भारत में हारेंगे, भारत पूरी कहां और योगी के बाद में यहाँ पे लड़कियों का बहिष्कार हो रहा है, जा रही हत्याएं हो रही हैं, पुलिस वाले जा रहे हैं, सियासी सवाल हो सकते हैं, परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, और अपराधियों के साथ वो सरकार हो रही है, सियासी सवाल अपनी जगह है, गुंडों के साथ, अब आप बताइए, आपकी दुर्दशा यूपी में नहीं हुई, सारे देश में हुई, कौन से चुनाव आप जीते, सरकार एक सियासी सवाल एक दूसरे से हो सकते हैं, पर जनता का भी सवाल है, ठीक है, अब ब्रिजेश मिश्रा जी को बोलने दीजिए, ब्रिजेश मिश्रा जी, क्या आपको लगता है जिस तरह से दूसरे पार्टियों से बड़े प्रत्याशी आए थे पिछली बार 2014 को लेकर, लेकिन इस बार 2019 में तस्वीरें बदल चुकी हैं, ठीक है, ब्रिजेश मिश्रा जी को बोलने दीजिए, ब्रिजेश मिश्रा जी को बोलने दीजिए, आपका काम होता तो आपको बोलना पड़ता, 2014 में हमने स्थितियां देखी थी, दूसरी पार्टियों से बड़ी संख्या में प्रत्याशी आए बीजेपी में, मोदी लहर में जीत गए, लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है, इसलिए मंथन चल रहा,
देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमने हाल ही में देखा कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सारे दल बीजेपी के खिलाफ एकीभूत हो जाएंगे, पर वो नहीं हुआ। अब कांग्रेस 80 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, ये भी हमने देखा। सपा बसपा अपना कॉम्बिनेशन बना करके लड़ रही हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं, कांग्रेस ने ही अपनी स्ट्रेटेजी क्यों बदल दिया? या फिर उधर केजरीवाल दिल्ली में, वो तो साफ क्लियर है, वो तो साफ बोलने के मतलब सीटों पे ताज होंगे पुराने चेहरों को, फिर उन्होंने मैदान उतार दिया। तो मैं ये बता रहा हूं, ये इन राजनीतिक दलों का अपना एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन और इनका एक पॉलिटिकल राइट है कि वो किस तरह से अपने कैंपेन को मैनेज कर सकते हैं, बेटर मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी पार्टी जो होती है वो पहले से बेटर करना चाहती है। बिल्कुल बेटर यहाँ पर करना चाहती है, और इसीलिए प्रत्याशियों को लेकर इतना मंथन हो रहा। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद यहाँ पर कोशिश करेंगे जानने की आखिर मंथन के पीछे वजह क्या है, किन सांसदों को जनता से दूरी यहाँ पर बढ़ गई है, जिसके बाद अब पार्टी में मंथन का दौर है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और सवाल यही है, अगर बीजेपी में मंथन का दौर है, सिटिंग एमपीज के टिकट काटने की तैयारी हो रही, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जमीन पर कार्यकर्ताओं में किस तरह का संदेश जाएगा, और जब यहां पर चुनाव बेहद करीब है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो इस तरह की स्ट्रेटजी, इस तरह के सवाल पार्टी के लिए किस तरह से संकेत दे रहे हैं? अनिता अग्रवाल जी, आप ही से समझना चाहेंगे। जिस तरह से हम देखें, सपा बसपा की लिस्ट सामने आ चुकी है, कांग्रेस की लिस्ट सामने आ चुकी है, बड़े लक्ष्य के साथ आप मैदान में हैं, और अभी बड़ा मंथन। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में भी देखिए, हमने पहले आपसे कहा कि हमारे यहाँ पार्टी लड़ती है, कमल चुनाव चिन्ह लड़ता है, और हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको तय करता है। लेकिन तो लोग तो ये कह रहे थे कि कांग्रेस को प्रत्याशी सोचने पड़ेंगे, गठबंधन को प्रत्याशी सोचने पड़ेंगे, सोचने पड़ेंगे, हमारे तो प्रत्याशी सब अपने एंड टाइम पे भी आएंगे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से कार्यकर्ता कार्य कर रहा है बूथ में। हमारे यहाँ इतना कॉन्फिडेंस है, तो इतनी देरी क्यों, फिर सवाल क्यों इस तरह? आप देखिए, बूथ में हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, बूथ में हमारे यहाँ तीन तीन कार्यकर्ता बनी हुई है, हमारे यहाँ मंडल की बनी हुई, हमारे यहाँ प्रांत की बनी, हमारे यहाँ क्षेत्रीय बनी हुई है, तो हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के उसपे चुनाव जीता जाता है। इन लोग के पास कार्यकर्ता तो है नहीं, इन लोग को अपना चेहरा जाके दिखाना है, कन्विंसिंग करनी है लोगों से। हमारा हर काम जनता तक भी है, कार्यकर्ता जनता से जुड़ा है, हमारा हर नेता जनता से जुड़ा है। हमको इतने, क्योंकि हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं, हमारा कार्यकर्ता हमेशा मेहनत करता है, जनता के साथ उसका संपर्क हमेशा बना रहता है, इसलिए हमको ये कही कि हमको कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ जाएगा, जिस दिन टिकटें तय हो जाएंगे, उस दिन हमारा अपने आप कार्यकर्ता उसके साथ लेके उसको कोई मना, इन लोगों के साथ कार्यकर्ता भागते हैं, कहीं यहाँ चला गया कभी वहाँ चला गया। ये देरी किस तरह के संकेत दे रहे हैं बीजेपी में, आपको क्या लगता है? जो ये सर्वे है जो बताता है कि जनता से दूरी है सांसदों की, उनको नाराजगी है, उसको लेकर यहाँ पर मंथन चला, और इसीलिए देरी? इसके कई कारण है। एक तो इनके यहाँ टिकट चाहने वालों की बड़ी लंबी लाइन है, और ये खेल बिगाड़ भी सकते हैं जो लोग टिकट, चूंकि ज्यादा लोग चाहते हैं। नंबर दूसरी बात, ये चाहते हैं कि पहले विपक्षी के चेहरे भी देख लेंगे, उस हिसाब से अपनी गोटे नहीं बताया। तो ये भी जा रहा कि योगी सरकार के कई मंत्री और जमीन पर अच्छा काम करने वाले बीजेपी के जो नेता, उनको मौका दिया जा सकता है, चेहरे बदले जा सकते हैं, कि लगभग एक दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनको पार्टी नेतृत्व चुनाव लड़ा सकता है। इस पर भी विचार चल रहा है कि किनको, और वो बाकायदे चेहरे छांटे गए हैं कि इनको इनको चुनाव लड़ाना चाहिए। वो पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, तो इसलिए उनको भी ये किया। ये तमाम चीजों पर ये काम कर रहे हैं। अब किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि तमाम कोणों को ध्यान में रख करके अपना प्रत्याशी चयन करे। ये पार्टियों का अधिकार है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या सपा बसपा गठबंधन हो, तो ये रणनीति है कि साहब आप ये लाए तो मैं दूसरा चेहरा दे रहा हूँ, ये सारा खेल है। अंशु अवस्थी जी, देखिए एक चीज समझ लीजिए, प्रत्याशी बदलने का असली मुद्दा यही है कि सरकार की जो नीतियां थी वो जन विरोधी थी, और प्रत्याशी बदलने से, प्रत्याशी बदलने से सरकार की कमियां नहीं छिपेंगी। इसका मध्य प्रदेश में भी तो प्रत्याशी बदले थे भारतीय जनता पार्टी ने, राजस्थान में भी बदले थे, छत्तीसगढ़ में भी बदले थे, और इनके कार्यकर्ता भी थे, सब जगह ये बुरी तरीके से हारे हैं। जितने बाई इलेक्शन इस देश में, उत्तर प्रदेश में कि राज्य में सरकार थी, केंद्र में सरकार थी, तब भी चुनाव हार गए, मुख्यमंत्री हार गए,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो लगातार 5 बार एमपी थे, कभी नहीं हारे, अपनी सरकार में हारे जब वो स्वयं मुख्यमंत्री थे। तो कार्यकर्ता को आप एम्प्लॉय न समझिए, आपने जो वादे किए थे कि रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, तो कार्यकर्ता दूसरे दलों के साथ, आज वो हमारे साथ है। हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं बराबर बढ़े हैं और लगातार बढ़ोतरी हो रही। लोग इसलिए कि कांग्रेस की नीतियां जनहित को लेकर है, सिर्फ उद्योगपतियों के साथ नहीं है। मोदी जी बात तो करते हैं अपनी, जनता की भी देखना, बात गरीब की करते हैं, काम उद्योगपति का करते हैं। आप बताओ ना कि आखिर क्यों किसानों का कर्जा नहीं माफ किया? बड़ी बड़ी बहन से पूछना चाह रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश क्यों नहीं लागू की? जवाब दे रहे हैं, 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, आखिर क्यों एक नई भर्ती नहीं हुई उत्तर प्रदेश में? एक भी पेपर सकुशल क्यों नहीं हुआ? ये मुद्दा देखिए, जो भी काम हुआ है उसको जनता के बीच में ले जाने का काम सत्ता दल का होता है, और वो जनता के बीच में उसको रखें, जनता फिर उस पर रिस्पांस देती है। देखिए, वो आप लोगों का राजनीतिक पक्ष है, मैं तो विश्लेषक हूँ। तो जो सत्ताधारी दल होता है, ये उसका दायित्व तो होता है कि अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में जाए, क्या काम किया है, क्या परफॉर्मेंस रही है, उससे जनता से उसका मूल्यांकन जनता ही करती है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की एक आवश्यक प्रक्रिया है कि सत्ताधारी दल जो है वो जनता के बीच में जाए और अपने उन अभ्यर्थियों के, उन प्रत्याशियों के माध्यम से जाए जो मुखर हों, और जनता से ही वो फिर से सत्ता मांगे, क्योंकि ये सत्ता का स्रोत तो जनता है। तो इस स्थिति में मैं ये समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ सभी दलों ने, 2014 में मनमोहन सिंह सरकार ने भी अपना ये काम किया था, और अखिलेश जब यहाँ से हटे हैं उस समय उन्होंने भी यही काम किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, इसलिए मंथन चल रहा है। फाइनल राउंड से सबसे फाइनल कमेंट्स लेंगे। हम सोचते जी आपसे शुरुआत करेंगे, बीजेपी जिस तरह से वक्त ले रही, आपकी क्या तैयारी, प्रत्याशियों को लेकर क्या कहें? उत्तर प्रदेश के 1,63,000 बूथों पर हमारी तैयारी है, सोशल मीडिया टीम पर बूथ 10 यूथ हमारा कार्यक्रम है जो बराबर चल रहा है। कौन चुनाव लड़ेगा, सभी को निर्देश है, सभी जो चुनाव लड़ना चाहते तैयारी कर रहे हैं। 2019 में हम 2009 की तरीके से मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे। जनता जनार्दन समझ चुकी है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, और राफेल का भ्रष्टाचार मोदी जी को ले डूबेगा, चौकीदार चोर है पूरा देश कह रहा है। ठीक, अनिता जी, मुद्दे तय हो चुके हैं, माहौल बन चुका है, लेकिन अभी प्रत्याशी नहीं तय हो पाए। हम सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, हम आतंकवादियों को जी के संबोधित, ये तो प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, आतंकवादियों को सत्कार, संबित पात्रा ने कहा। ठीक है सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, सबसे फाइनल कमेंट्स लेंगे। ब्रजेश शुक्ला जी, ठीक है, वक्त की कमी है, ब्रजेश शुक्ला जी, बीजेपी की ये देरी किसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, किसके लिए नुकसान हो सकती है? ब्रजेश शुक्ला जी, ठीक है सर, ठीक है सर, फाइनल कमेंट समय पास की कमी है, ब्रजेश शुक्ला जी, हाँ, प्रत्याशियों को लेकर जिस तरह से ये देरी हो रही है, ये किस तरह के संकेत दे रहे हैं और किससे इसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होता है? मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि ये देख रहे हैं कि सामने प्रतिद्वंदी कौन है। ये पिछली बार भी रणनीति इसी तरह की इन्होंने अपनाई थी। अब उसका फायदा नुकसान मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां तक चुनावी तैयारियों का मामला है, ये देखो कई रैलियां कर चुके हैं इस मामले में, ये बढ़त ले चुके हैं, लेकिन प्रत्याशी चयन के मामले पे हमारे ख्याल से ये इनकी रणनीति अलग है। पिछली बार भी जो रणनीति अपनाई थी कि साहब देखे सामने वाला आता कौन है, फिर उसी हिसाब से अपने गोटे चले। ब्रजेश मिश्रा जी, फाइनल कमेंट्स, किस तरह के फैसले में देरी होने से आप किसको फायदा देखते हैं, किसको? देखिए, प्रतिद्वंदिता के दोनों स्तरों पे देखना है, एक कौन कौन से दल प्रतिद्वंदी हैं और दूसरा कौन सा प्रत्याशी खड़ा होता है, उसके हिसाब से ही कैंडिडेट खड़े करने चाहिए। ये एक आम रणनीति भी है, कोई विशेष बात नहीं है इसमें जी। तो देखना यही होगा कि ये जो देरी हो रही है, इस सियासत में किस तरह के संकेत देते हैं, क्योंकि पल पल यूपी की सियासत में नई तस्वीर सामने आ रही, नए मुकाबले आ रहे, नई चुनौतियां आ रही, और ऐसे में प्रत्याशी तय करना, आगे की रणनीति करना वक्त रहते बेहद जरूरी है। फिलहाल आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों, तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।